हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। देखिएगा, एनालिटिक फंक्शन के मैंने काफ़ी कुछ लेक्चर आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिलनेस थॉमसन मैथड। स्टूडेंट देखिएगा, मिलनेस थॉमसन मैथड की हेल्प से हम एनालिटिक फंक्शन को इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले इस पर हम डिस्कशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन बाई मिलनेस थॉमसन मैथड। देखिएगा, मिलनेस थॉमसन मेथड की हेल्प से हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड। देखिएगा, आप लोग जानते हैं W इक्वल्स टू क्या होता है, एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। और क्या होता है कि U एक फंक्शन, U फंक्शन होता है एक्स वाई का और V फंक्शन होता है एक्स और वाई का। तो देखिएगा स्टूडेंट, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हार्मोनिक फंक्शन, तो हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से भी हम एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर क्या था, अगर u गिवन है तो उसका हार्मोनिक कंजुगेट हम v निकालते थे, तो एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। अगर v दे रखा है तो उसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या हुआ, u। फिर एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। लेकिन स्टूडेंट देखिएगा, वो मेथड काफ़ी थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। मिलनेस थॉमसन मेथड से आप ना एनालिटिक फंक्शन को ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो ये आपको u गिवन होगा या आपको v गिवन होगा। u हमारा रियल कंपोनेंट है, v कैसे हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट है। तो देखिएगा, केस फर्स्ट, अगर आपको u गिवन है, x कॉमा y आर गिवन, अगर आपको ये फंक्शन गिवन है, तो देखिएगा उस केस में आप एनालिटिक फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। इस वैल्यू को हम यहाँ क्या कहेंगे, फाई वन एक्स कॉमा वाई। इसी तरह से आप यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, फाई टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, से इन वैल्यूज़ को आपने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, तब आप लिखिएगा देन द एनालिटिक फंक्शन। तो हमारा जो एनालिटिक फंक्शन है ना एफ जेड, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एफ जेड इज गिवन वाई। तो इस एनालिटिक फंक्शन को आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा क्या रूल है, एफ जेड इंटीग्रल। ठीक, आप देखिएगा फाई वन, ये जो फाई वन निकाला, एक्स के प्लेस पर जेड पुट करेंगे, वाई के प्लेस पर जीरो। इसी तरह माइनस आई फाई टू, एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो। तो इस तरह से हम ये एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये कब अप्लाई करेंगे, जब आपको ये u गिवन होगा। इस तरह से केस सेकंड, आपका केस सेकंड करते हैं। तो देखिएगा केस सेकंड में क्या, अगर आपको ये v, इसका इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, r गिवन, तो इस केस में क्या करेंगे आप, यहाँ पर ना डेल v अपॉन डेल y फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली। वैसे तो आप पहले किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसको हम साई वन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसको अब आप यहाँ क्या कहेंगे, साई टू एक्स कॉमा वाई। ये वैल्यू इसको लेट कर लेंगे, से कह दिया, तब आप लिखिएगा देन द एनालिटिक फंक्शन। तो उस केस में हम एनालिटिक फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लिखो देन द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज गिवन वाई। तो एनालिटिक फंक्शन आप इस केस में ना इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, इंटीग्रल आपका क्या आएगा, साई वन, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, जेड और वाई के प्लेस पर जीरो, प्लस आई साई टू, एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो, और प्लस सी यानी कॉन्स्टेंट, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो उस इसकी हेल्प से हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, मिलनेस थॉमसन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको u प्लस वी, जो हमारे एफ जेड के कंपोनेंट्स हैं u प्लस वी, सॉरी u और v, ये सेपरेटली नहीं दे रखे हैं आपको, आपस में ना कनेक्ट करके दे रखा है। तो यहाँ ना आपको रियल पार्ट दे रखा है, ना आपको इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, तो इस ये आपस में कनेक्ट करके दे रखा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एनालिटिक फंक्शन मिलनेस थॉमसन मेथड की हेल्प से। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्या रूल है इसका करने का, आइए डिस्कस करते हैं।
आपको देखिएगा क्या गिवन है, यू प्लस आई वी, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, ए टू पावर टू वाई, ए टू पावर माइनस टू वाई, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, माइनस का टू कॉस टू एक्स ही आ जाएगा। फिर अब आप लोग देखो यू प्लस आई वी, देखो टू टू तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या बचेगा आपका साइन टू एक्स, और ये किसका फार्मूला बन गया देखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस, फिर देखो ये क्या बचेगा कॉस टू एक्स। तो ये वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, समझ में आ गया। अब देखिएगा आप लोग जानते हैं नाउ एफ ऑफ जेड हमारा किसके बराबर होता है भाई, यू प्लस आई वी के, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। इसको ना आई से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, आई यू माइनस वी सेकेंड इक्वेशन कह दीजिएगा। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करिएगा, तो वन प्लस आई एफ ऑफ जेड। अब देखिएगा इनको हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट हमारा रियल पार्ट के इक्वल होगा यू माइनस वी, और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस देखिएगा इस पूरी कैपिटल वैल्यू को हमने एफ सेट कंसीडर कर लिया, इसको कैपिटल यू लेट कर लिया और इसको कैपिटल वी लेट कर लिया, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा थोड़ा मेंशन कर देते हैं भाई क्या है यहाँ पर, कैपिटल एफ जेड मीन्स हमारा क्या है वन प्लस आई एफ ऑफ जेड, और कैपिटल यू मीन्स क्या है आपका यू माइनस वी, और कैपिटल वी मीन्स क्या है आपका यू प्लस वी, ठीक है, जो हमने लेट करा। अब आप लोग देखो अभी मैंने क्वेश्चन मिलने थॉमसन मेथड डिस्कस किया था, या तो आपको यू गिवन होगा या वी गिवन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है यू प्लस वी आपस में कनेक्ट हैं वो दे रखा है। तो अब आप एफ जेड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप इसको देखिएगा एफ जेड, हम मिलने थॉमसन मेथड इस कैपिटल एफ जेड फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसका देखो ये रियल कंपोनेंट है, ये हमारा क्या है इमेजिनरी कंपोनेंट है। तो अब आपको देखो ये यू, यू मीन्स क्या है स्मॉल यू माइनस वी, कैपिटल वी मीन्स क्या है आपका यू प्लस वी। अब आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है यू प्लस वी की, इसका मतलब यू प्लस वी का मतलब कैपिटल वी, कैपिटल वी कैसा है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो ये केस सेकंड का जो हमारा मिलने थॉमसन मेथड है उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि कैपिटल वी आपको गिवन है और कैपिटल वी कैसा है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो दो केसेस, एक तो रियल और एक आपका इमेजिनरी, तो केस सेकंड वाला हम यहाँ यूज करेंगे। देखिएगा कैपिटल वी मींस हमारा क्या है यू प्लस वी, और यू प्लस वी की वैल्यू देखो आपके पास कितना है साइन टू एक्स, और फिर आप देखो कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स। अगर वहाँ हमने साई वन कहा था, किस वैल्यू को कहा था साई वन, देखिएगा इसको डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसको ना y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए पार्शियल, y ऊपर तो नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में ही आ रहा है सिर्फ, तो इसका जो डिफरेंशिएट आएगा देखिएगा माइनस आपका साइन 2x, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक 2y और माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। फिर कॉस हाइपरबोलिक 2y का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 साइन हाइपरबोलिक y। अब आप यहाँ पर x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे z, और y के प्लेस पर 0, देखिएगा x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0, तो देखिएगा 2 ये क्या आएगा साइन 2z और साइन हाइपरबोलिक 0, इस तरह से पुट करिएगा। यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 0 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आपने देखा साई वन जेड कॉमा 0, ये वैल्यू क्या निकल कर आ गया आपका 0, ठीक। इसी तरह से अब आप साई टू फाइंड आउट करिएगा ऑल्सो, देखिएगा अब हम फाइंड आउट करते हैं साई टू एक्स कॉमा वाई, इस वैल्यू का मतलब यहाँ पर है डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको ना वी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो इसमें तो वही डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्स ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है। तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर, फिर अब आप लोग देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कॉस टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप एक्स के, तो टू कॉस टू एक्स ऐसे करिएगा माइनस, फिर आप देखिएगा ये क्या लिखेंगे साइन टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम एक्स
एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, वो देखिएगा इसको तो जीरो हो जाएगा, कॉस का माइनस का साइन, माइनस माइनस आपका प्लस, तो टू और क्या बचेगा, साइन टू एक्स ही आ जाएगा। तो अब आप यहाँ साइन टू एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो ये पुट कर दीजिएगा, ठीक है, करिएगा पुट। तो y के प्लेस पर अगर हम जीरो पुट करते हैं तो देख रहे हैं cos हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वन होती है, और ये हो जाएगा आपका cos 2z और ये वैल्यू आ जाएगा आपका cos 2z, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा, 2 साइन स्क्वायर 2z ये आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये देखिएगा 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। चलेगा और कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा इसका, देखिएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस आपका 2 2 और ये कितना है आपका cos 2z, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 cos स्क्वायर 2z और माइनस का 2 sin स्क्वायर 2z, इस तरह से करिएगा और फिर देखिएगा 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा आगे करते हैं इधर, फिर अब आप लोग देखिएगा साई टू जेड कॉमा जीरो, आप देखिएगा माइनस टू कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर टू जेड, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो आपका टू और ये कितना बचेगा कॉस टू जेड माइनस टू और अपॉन में देखिएगा वन माइनस कॉस टू जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिएगा ये साई टू जेड कॉमा जीरो, माइनस टू आप कॉमन ले लीजिएगा, तो वन माइनस का कॉस टू जेड और वन माइनस कॉस टू जेड का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो साई टू जेड कॉमा जीरो माइनस का टू, वन माइनस कॉस टू जेड बचेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो ये बचेगा आपका टू साइन स्क्वायर जेड, देखिए स्टूडेंट टू से टू कैंसिल, साई टू जेड कॉमा जीरो तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर जेड, तो साई टू की वैल्यू आप साई टू जेड कॉमा जीरो की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली, ठीक है स्टूडेंट। तो यूज़ करिएगा, लिखो देन वाई मिलनेस थॉमसन्स मेथड, ठीक है, तो कैपिटल एफ जेड लिखा जाएगा, स्मॉल एफ जेड नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल एफ जेड, क्योंकि हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा क्या था आपका, साई वन z कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो और डी जेड प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला था भाई। देखिएगा वैल्यू रखिएगा, साई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो, साई टू जेड कॉमा जीरो की वैल्यू कितनी है, माइनस आई, माइनस आई माइनस आ रहा है, ठीक है, तो माइनस आई और कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी, ये बचेगा। अब आप लोग देखिएगा कैपिटल एफ जेड कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो आई कॉट जेड प्लस सी, ये आ जाएगा। अब देखिएगा कैपिटल एफ जेड क्या है हमारा, वन प्लस ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट ये कैपिटल एफ जेड है, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू ये है हमारे पास, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा, वन प्लस आई एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू देख रहे हैं आई कॉट जेड प्लस सी। आपको क्या करना था, एनालिटिक फंक्शन ही तो फाइंड आउट करना था, तो देखो एनालिटिक फंक्शन हमारा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू आई और वन प्लस आई कॉट जेड प्लस सी अपॉन वन प्लस आई, ठीक है। और देखिएगा और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये एक कॉन्स्टेंट है, इसको एक न्यू कॉन्स्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, और देखिएगा इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको एफ जेड, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिएगा वन प्लस आई इसके कंजुगेट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सी इसको एक नया कांस्टेंट के कंसीडर कर लिया आपने, तो एफ जेड देख रहे हैं आई की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है माइनस वन, तो प्लस वन हो गया, वन माइनस आई स्क्वायर तो प्लस वन, ठीक है, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका कॉट जेड प्लस के। तो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एनालिटिक फंक्शन निकल के आया है इस तरह से, ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा वेयर के, कि आपने किसको लेट करा, मेंशन कर सकते हैं सी अपॉन वन प्लस आई, ये आ जाएगा आपका। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपको भी एनालिटिक फंक्शन आपको कंस्ट्रक्ट करना, जैसा भी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, यू प्लस वी गिविन था, इस बार आपको क्या गिविन है, यू माइनस वी, और एक साथ में कंडीशंस और दे रखी, ये कंडीशन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है। तो देखिएगा आपको यहाँ क्या क्या
गिवन है, देखिएगा सबसे पहले तो आप लिखिएगा एफ ऑफ जेड, ठीक। एफ ऑफ जेड आपके पास क्या है, यू प्लस आई वी। हमने क्या करा, आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस वी आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करेंगे तो वन प्लस आई एफ ऑफ जेड, आप इनको ऐड करेंगे, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट आप इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वे करिएगा, ठीक है। तो ये देखा, इसको आप कैपिटल एफ जेड कंसिडर कर लीजिएगा, इसको कैपिटल यू और इसको कैपिटल वी। वेयर अब आप देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस आई एफ ऑफ जेड। कैपिटल यू आपका किसके बराबर है, यू माइनस वी के, और कैपिटल वी देखिएगा किसके इक्वल है आपका, यू प्लस वी के। अब आप लोग क्वेश्चन में देखो किसकी वैल्यू गिवेन है, यू माइनस वी। यू माइनस वी का मतलब क्या है, कैपिटल यू। कैपिटल यू का मतलब क्या है, हमारा रियल कंपोनेंट। इसका मतलब इसमें हमारा मिलने थॉम्पसन मेथड का फर्स्ट वाला केस अप्लाई होगा, ठीक है ना। देखो ये रियल पार्ट आपको गिवेन है, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर वी हैव कैपिटल यू। कैपिटल यू मीन्स क्या है हमारा, यू माइनस वी। तो ये क्या है हमारा, e to power y माइनस cos x और प्लस sin x, और ये चलिएगा ये क्या गिवन आपका, cos hyperbolic y माइनस cos x, ये गिवन है। तो देखिएगा अब आप यहाँ ना 5-1 फाइंड आउट करेंगे। 5-1 क्या होता है, वहाँ हमने साई 1 कैलकुलेट करा था, यहाँ 5-1 आएगा। तो इस 5-1 के से क्या मतलब है, डेल u अपॉन डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट में करिएगा। तो हम यहाँ लगाएंगे डिवाइड रूल, तो cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, x के। तो देखिएगा इसका जीरो हो जाएगा, माया cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। आगे बढ़िएगा माइनस, देखिएगा इसका ये टर्म हमारा एस इट इज रहेगा, e टू पावर y माइनस cos x और प्लस sin x, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ये तो जीरो हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, cos x का माइनस sin x और माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब आप लोग ना यहाँ पर x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस cos z। फिर आप लोग देखो sin z प्लस cos z, इस तरह से करो, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस cos z, और ये क्या आएगा sin z इंटू में sin z। हम x के प्लेस पर z पुट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, cos हाइपर y की जगह 0, तो 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। चलिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 5-1 z, 0 मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो आप, तो कितना बचेगा आपका sin z प्लस cos z, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, माइनस देखिएगा cos z और जी sin z प्लस माइनस माइनस, क्या बचेगा आपका cos स्क्वायर z, ठीक है ना। इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए चलिएगा, और चलिए इधर लिख देते हैं माइनस sin z, तो देखिएगा आप sin z और इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आपका sin z और cos z, ये आपका बचेगा माइनस का sin स्क्वायर z। डिनोमिनेटर में देखिएगा क्या बचेगा, 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर, cos z sin z आपस में कैंसिल, sin z ये sin z भी आपका कैंसिल, ठीक है। इस तरह से करिएगा 5-1 z, 0, देखिएगा क्या क्या बचता है, एक आपका ये cos z, यहाँ देख रहे हैं माइनस कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर, यहाँ से भी देखिएगा माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस cos z, और अपॉन में आप देख रहे हैं 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर, इससे ये टर्म कैंसिल। फिर आप देख रहे हैं 5-1 z, 0, तो 1 अपॉन 1 माइनस cos z को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर z by 2 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन sin क्या होता है हमारा, cosec स्क्वायर z by 2। तो ये हमने 5-1 z, 0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फाइंड आउट करते हैं देखिएगा 5-2 x, y, ये वैल्यू
इसका मतलब क्या है, इस u को पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, देखो u को y के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा भाई इसमें भी। तो चलिए डिवाइड रूल लगाते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x का होल स्क्वायर, cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो e टू पावर y, बाकी सारी टर्म जीरो, माइनस e टू पावर y माइनस cos x और प्लस sin x, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, y के, cos हाइपरबोलिक y का क्या आ जाएगा, sin हाइपरबोलिक y, उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा phi 2 x के प्लेस पर जीरो, y के सॉरी x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर जीरो, ये पुट करिएगा तो cos हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू 1, ये आ गया, ठीक है ना, y की जगह हम जीरो पुट कर रहे हैं, तो ये देखिएगा 1 माइनस cos z प्लस sin z, sin हाइपरबोलिक जीरो, जीरो हो जाएगा आपका। फिर अब आप देखिएगा cos हाइपरबोलिक जीरो 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर, phi 2 z कॉमा जीरो, देखो ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, तो 1 माइनस cos z अपॉन में, फिर आप देखिएगा 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपका आ गया है 1 माइनस cos z, ठीक है। तो फिर देखिएगा phi 2 z कॉमा जीरो, तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर जेड वाई 2, तो आप देख रहे हैं phi 2 z कॉमा जीरो, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec स्क्वायर जेड वाई 2, तो ये भी हमने phi 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब फार्मूला यूज़ करिएगा, देन वाई मिलेज थॉमसन्स मेथड, मिलेज थॉमसन्स मेथड यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट केस वाला, ठीक है। तो ये देखिएगा phi 1 z कॉमा जीरो माइनस i phi 2 z कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी, इस तरह से आ जाएगा एफ जेड, phi 1 z कॉमा जीरो की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस 1 अपॉन 2 और cosec स्क्वायर जेड वाई 2 माइनस i phi 2 z कॉमा जीरो की वैल्यू, ये आ जाएगा और cosec स्क्वायर जेड वाई 2 डी जेड प्लस सी, ठीक है ना, ये वैल्यू इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, देखिएगा। हाँ यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये ध्यान रखने का, स्मॉल एफ जेड नहीं आएगा, कैपिटल एफ जेड आएगा, ये ध्यान रखिएगा भैया, अभी देखिएगा, ठीक, क्योंकि मिलनेस थॉमसन मेथड हम इस फंक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप लोग देखो एफ ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन 2, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस 1 अपॉन 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हैं 1 प्लस आई कोसेक स्क्वायर जेड वाई 2 डी जेड प्लस सी, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। एफ जेड माइनस 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट जेड वाई 2 और अपॉन में 1 बाई 2 प्लस, और देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, कैपिटल एफ जेड आप लोग देखिएगा कहाँ पर है, कैपिटल एफ जेड ये है आपका, रख दीजिएगा क्या है 1 प्लस आई एफ जेड, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस आई कॉट जेड वाई 2 प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक। अब आप यहां से स्मॉल एफ जेड की वैल्यू निकालो, 1 प्लस आई से 1 प्लस आई कैंसिल, तो कॉट जेड वाई 2 प्लस सी अपॉन क्या बचेगा 1 प्लस आई, इसको ना इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिएगा। देखो एनालिटिक फंक्शन तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन आपको ना ये कंडीशन यहाँ गिवेन है, ये कंडीशन क्यों गिवेन है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए इसका भी यूज़ कर लेते हैं, ये जेड बराबर क्या पुट करेंगे आप, पाई वाई 2, पुटिंग जेड इक्वल्स टू पाई वाई 2, पुट करिएगा जेड के स्थान पर पाई वाई 2, ठीक है। तो जेड के प्लेस पर हमने पाई वाई 2 पुट करा, तो पाई वाई 4 हो गया सी अपॉन 1 प्लस आई, ये आ जाएगा आपका। तो अब आप लोग देखिएगा एफ पाई वाई 2, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ये वैल्यू कितना है आपका 3 माइनस आई अपॉन 2, कॉट 45 कितना होता है आपका 1 प्लस सी अपॉन, ये देखिएगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई ये बचेगा, ये कैलकुलेशन करेगा 3 माइनस 2 माइनस 1, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 2, 3 माइनस आई माइनस 2,
तो आप देख रहे हैं सी अपॉन वन प्लस आई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वन माइनस आई अपॉन टू, इस तरह से बचेगा भाई। तो देख रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई करिए, वन प्लस आई, वन माइनस आई अपॉन टू, वन आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस वन, वन प्लस वन टू, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए किस में, इन फोर में, पुटिंग इन इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर में इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कॉट जेड वाई टू, सी की वैल्यू कितनी है आपकी, वन, तो वन प्लस आई, तो ये हमारा फंक्शन आ चुका है, ठीक है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने ये जो मिलने थॉमसन्स मेथड के पर वेस्ट चुको न्यूमेरिकल कराएं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।